है। ये सूत्र उपदेश का नाम है दहर, बच्चा के बारे में बताया गया सूत्र। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में विराजमान थे। उसी दिन कौशल राजा भगवान बुद्ध के पास आके नमन करके एक और बैठ गया। बैठकर भगवान बुद्ध जी से पूछा, तथागत भगवान बुद्ध जी भी अनुत्तर सम्मा संबुद्धत्व को तथागत भगवान बुद्ध जी अपने को दिखाता है क्या? इधर रख दीजिए। तथागत भगवान बुद्ध जी भी दिखाते हैं क्या कि हम अनुत्तर सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त किया है? ऐसा पूरा पूरा दुनिया को दिखाता है? बताए पुण्यान महाराज, अगर कोई भी सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त करने के बारे में बात किया तो सिर्फ मेरे बारे में बात करता है, और कोई संसार में नहीं। कोई भी अगर बोल दिया तो सही ढंग से, जिन्होंने उत्तम सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, प्राप्त किए हैं, वो मेरे बारे में बोल रहा है। क्योंकि महाराज, मैं ही उत्तम सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त किया हूं। तथागत भगवान बुद्ध जी, लेकिन समाज में ऐसे गुरु लोग हैं, बहुत श्रावक हैं, शिष्य हैं, बहुत फेमस है, अनुयायी बहुत से, लाखों लाख अनुयायी, पूरा हर जगह प्रसिद्ध है, फेमस है, अलग अलग प्रकार की बात बताते रहता है। ऐसा श्रवण ब्राह्मण लोग समाज में है, जैसे में पूर्ण कश्यप, मखली गोसाल, निगंठ नाथपुत्र, संजय बेल्लाठीपुत्र, पकुद कच्चायन, अजित केश कंबल, ऐसे लोग, ये लोग से अगर कोई आके पूछेगा तो आप लोग अनुत्तर सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, आप सारे लोग सर्वज्ञानी बने हैं, आप सभी लोग सब कुछ देख लिए, सब कुछ जान गए, सब कुछ प्राप्त किए, सब कुछ से मुक्त हो गए हैं, आप लोग सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, ऐसे पूछेंगे तो उन लोग भी प्रतिज्ञा नहीं दे पाता है। उन लोग भी बताते हैं मैं सम्मा संबुद्धत्व प्राप्त किया हूं। क्यों? इतना गहरी शब्द है सम्मा संबुद्धत्व, सभी लोग उसी शब्द से डरता है, मतलब उतना बहुत गहरा है, थोड़ा आगे में चला गया है, वो ऐसा शब्द को इस्तेमाल जल्दी नहीं करता है, सभी लोग ऐसा शब्द लेता नहीं जल्दी। नौमी कहता हम लोग ज्ञानी हैं, लेकिन सम्मा संबुद्धत्व शब्द कोई नहीं लेता है, किसी को नहीं ले पाता है। महाराज बोलते हैं, लेकिन तथागत आप तो बच्चा है, अभी भी आप बच्चा है, आप चीवर भी पहन के उतना समय नहीं है, चीवर पहन के भी नया है आप। इसके बाद फिर भी आप कहते हैं हम सम्मा संबुद्ध हैं, किसी को अगर सम्मा संबुद्ध कहेगा तो मेरे बारे में बोल रहा है, ऐसे आप बिना डर के कहता है, बाकी लोगों को ऐसा कहने का हिम्मत भी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं हम सम्मा संबुद्धत्व है प्राप्त किए हैं, तो आप, लेकिन आप अभी तक बच्चा है, बच्चा मतलब जवान मतलब उम्र उस समय 35 साल था, चीवर पहन के भी उतना समय नहीं है भगवान को।
इसके बाद भगवान बुद्ध बता रहे हैं, महाराज बच्चा समझ के अपमान नहीं करने वाले, बच्चा समझ कर बदनाम नहीं करने वाले चार लोग हैं। उन लोगों को बच्चा समझ के कभी कुछ नहीं कहना है। वो कौन है? पुण्यन महाराज, राजवंशी राजकुमार को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए राजकुमार को। महाराज, जहरीला सांप का बच्चा को भी बदनाम नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। पुण्यन महाराज, आग को भी अपमान नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, आग के साथ खेलना नहीं चाहिए। पुण्यन महाराज, भिक्षु को भी, ये छोटा भिक्षु है, भिक्षु मतलब भंते जी, ये छोटा भिक्षु है, ऐसा समझ के अपमान नहीं करना चाहिए। महाराज, ये चार लोगों को, किनको किनको? राजकुमार, जहरीला सांप, आग, भिक्षु लोग, ये लोगों को कभी अपमान, तंग, बदनाम नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने का भगवान ने ये गाथा बताया। जो कोई बच्चा राज परिवार में जन्म लिया, वो राजकुमार है, उसको कभी कोई तंग नहीं करते हैं, अपमान बदनाम नहीं करते हैं, क्योंकि वो राजकुमार अपना दुश्मन को याद रखता है। राज्य मिलने के बाद तुरंत उसको सजा देता है। जिन्होंने तंग किया है, अपमान किया है, उसको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कभी भी राजकुमार के साथ टकराना नहीं चाहिए। तथा कोई गांव में या जंगल में सांप दिखाई देता है, उसको बच्चा समाज के अपमान, तंग, बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत खतरनाक सांप है, बहुत गुस्सा से रहते हैं वे लोग। अगर उन लोग गुस्सा आ गया तो जो अपमान किया है, तंग किया है, वही स्त्री या पुरुष को खोज के आता है। जिस गांव में होगा उसी गांव तक खोज खोज के आता है, कहाँ है मेरा दुश्मन, कहाँ है जो मुझे तंग किया, वो कहाँ है, खोज खोज के आता है, आकर के काट लेता है। इसलिए अपना जीवन को बचाने के लिए लोग कभी भी, जहरीला सांप का बच्चा छोटा होगा लेकिन तंग नहीं करता है, कष्ट नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज जलाने वाले आग है, ऐसा आग कोई मजाक तंग नहीं करते हैं। आग के साथ, अगर कोई आग के साथ खेलने जाएगा तो वो छोटा सा आग तुरंत फैल जाता है। फैलने के बाद वो मूर्ख स्त्री या पुरुष को पूरा जला देता है। इसलिए आग के साथ टकराना नहीं चाहिए। जो कोई शीलवान भिक्षु है, गुण धर्म से तेजस्वी है, अपना गुण धर्म की बाल से जो कुछ गंदगी है, गुण धर्म की बाल से गंदगी को जला दिया तो उसको कभी बच्चा नहीं होता है, यानी कि
वो ब्रह्मचारी है, उसके पास कभी गाय बहिष नहीं होता है, धन संपत्ति नहीं मिलता है, नहीं नहीं मिस्टेक हो गया, एक भिक्षु है वो गुण धर्म वाले हैं, सील सुरक्षा करता है, ऐसा भिक्षु को अगर कोई डांटेगा तो, कोई बदनाम करेगा तो, थंकिया तो, भगवान बुद्ध ने बताया उसी परिवार में फिर बच्चा जन्म नहीं लेता है, गाय बहिष मर जाता है, अपना संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उन लोग का संपत्ति फिर बढ़ेगा नहीं कैसे, ताड़ का पेड़ का ऊपर से काट दिया तो फिर ताड़ का पेड़ जाले उगेगा, कभी नहीं उगेगा, वो ऐसे ही है, जो लोग सीलवान गुणवान बनते लोगों को बदनाम करेगा तो, तंग करेगा तो, वो लोग का कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बुद्धिमान लोग अपना कल्याण के बारे में सोचते हैं, अगर बुद्धिमान लोग अपना कल्याण फायदे के बारे में सोचेगा तो सांप को और आग को और राजवंशी कुमार को राजकुमार को सीलवान भिक्षु को ये चारों को इज्जत से संगत करता है, ये चारों के साथ खेलने नहीं जाता है, ऐसे बोलने के बाद ये किसने बताया, तो भगवान बुद्ध ने बताया तो उसके एक भी शब्द है क्या गलत, नहीं एक शब्द भी नहीं, भगवान बुद्ध को बताया कौशल राज, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर है, बहुत आश्चर्य है, हम तो सीख गया, मुझे माफ कीजिए, आज से मैं मरने दम तक आपकी शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, इसे बताया, सुंदर है ना, हम लोग को याद है श्रीलंका में भी कोई कोई लोग होता है बांते लोग को बहुत डांटते हैं, पूरा परिवार पागल हो जाता है, अगर डांट सुनने वाले बांते जी सीलवान है तो गुण धर्म है तो पूरा परिवार पागल हो जाता है, जो डांटता है तो उससे दुगना पागल हो जाता है, इसीलिए ऐसे हुआ है, इसीलिए संभाल के रहना चाहिए ये चार लोगों से, राजकुमार तो अभी नहीं है, बाकी लोग बाकी चीज तो है ना, जैसे बिजली भी वैसे ही ना, बिजली से खेलना कभी नहीं चाहे, संभाल के बिजली को इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ दिन पहले एक आदमी मर गया ना, मोरा था, 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 मोरा था,